हेलो स्टूडेंट्स। सो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आरएल सीरीज सर्किट को डिस्कस किया था और उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो आज एक आरएल का एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। ये न्यूमेरिकल भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल है हमारा कि 120 वोल्ट 100 वॉट लैम्प। लैम्प बेसिकली लैम्प मीनिंग इज लैम्प एंड बल्ब बोथ आर सेम। और हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, बल्ब एंड लैम्प इज कंसिडर्ड एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ओके, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ 120 वोल्ट 100 वॉट लैम्प इज टू बी कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। व्हाट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर दैट लैम्प इज रन ऑन द रेटेड वोल्टेज। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक लैम्प है यानी एक बल्ब है 120 वोल्ट का जिसकी पावर दे रखी है 100 वॉट। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा को यहाँ पर मेंशन करते हैं। द लैम्प यानी बल्ब का वोल्टेज हमें दे रखा है इस 120 वोल्ट एंड द पावर इज 100 वॉट। ओके, अब इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे कि अगर हम इस 120 वोल्ट के लैम्प को या बल्ब को 220 वोल्ट एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें कितना इंडक्टेंस इसके साथ सीरीज में जोड़ना पड़े कि ये लैम्प 120 की जगह 220 वोल्ट पर रन करना स्टार्ट कर दे। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 120 वोल्ट का जो बल्ब है हमारा, अगर मुझे उसे 220 वोल्ट पर रन कराना है तो हम उसमें कितना इंडक्टेंस उसके साथ सीरीज में जोड़ें। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें यहाँ पर एक आरएल सीरीज सर्किट को कंप्लीट करना है। तो अगर हम इस सर्किट को देखें, बल्ब का वोल्टेज इज 120 वोल्ट, बल्ब की पावर इज 100 वॉट। तो सबसे पहले हम यहाँ से करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। द करंट वैल्यू इज पी डिवाइडेड बाई वी। इसका मतलब हमारी करंट की वैल्यू हो गई 100 डिवाइडेड बाई 120, दैट इज 0.833 एम्पियर। दिस इज अवर द करंट वैल्यू। और यहाँ से हम उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यानी बल्ब का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी फार्मूला हम या तो पी बाई आई स्क्वायर या पी या वी और आई हम किसी से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं दैट इज पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो जब हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट करी, पावर इज 100, करंट वैल्यू इज 0.833 स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस हमारा निकल कर आया 144 ओम। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब आपसे सर्किट में क्या कहा जा रहा है कि एक रेजिस्टेंस के साथ कितना इंडक्टेंस सीरीज में जोड़ा जाए कि जो वोल्टेज है 120 उसकी जगह पर अब हम 220 वोल्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर दें। तो रेजिस्टेंस तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया 144 ओम का। इस एल की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। और अगर आपको पता हो, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि सीरीज सर्किट में जो करंट की वैल्यू होती है दैट इज़ सेम। तो सी करंट तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर 0.833 एम्पियर। अब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पीडेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, जेड। जेड वैल्यू क्या हुआ हमारा, वी बाय आई, और जेड है इसीलिए वोल्टेज यूज हुआ 220 एंड करंट इज 0.833। तो यहाँ से जब हम लोगों ने अपनी वैल्यू को कैलकुलेट किया तो यहाँ से हमारा जेड कैलकुलेट होकर आ जाएगा वैल्यू। और इसके बाद हमारे यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में जेड स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, है ना। जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर। तो एक्सेल की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, एक्सेल बराबर अंडर रूट में जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने जब अपनी एक्सेल की वैल्यू को कैलकुलेट किया तो एक्सेल वैल्यू निकल कर आई हमारी 221.27 ओम। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेल। और एक्सेल अगर हमें पता है तो एक्सेल का फॉर्मूला होता है हमारा 2πfL। यहाँ से हम L कैलकुलेट कर लेंगे, एक्सेल डिवाइडेड बाय 2πf 221.27 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। द वैल्यू ऑफ L इज 0.704 हेनरी।
ओके तो यानी यहाँ पर हमें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि इस न्यूमेरिकल में अगर हमारे पास सेम वैसे ही न्यूमेरिकल है बेटा जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था अपना, कि एक बार डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराई, देन एक बार एसी सप्लाई प्रोवाइड कराई, यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पर हम लोगों ने उसको बल्ब या लैम्प का नाम दे दिया। तो आई होप अब आप लोग आरएल के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। नाउ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ आरसी सीरीज सर्किट। ओके तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना आरसी सीरीज सर्किट। आरसी सीरीज सर्किट का मतलब हुआ यहाँ पर एलिमेंट लगाए हमने रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। सप्लाई वोल्टेज क्या दिया हमने बेटा यहाँ पर अपना Vm साइन ओमेगा टी। वन एलिमेंट इज आर, वन एलिमेंट इज सी, दिस इज द करंट। तो जैसे हमने आरएल सर्किट के डेरिवेशन में किया था सेम काम करेंगे, इन दोनों एलिमेंट के अक्रॉस हमारी जो वोल्टेज करंट है वो सेम रहेगा, बट द वोल्टेज वैल्यू इज डिफरेंट। तो जब वोल्टेज वैल्यू डिफरेंट है तो सबसे पहले काम हमने वी आर और वी सी का वैल्यू कैलकुलेट किया। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी आर, दैट इज़ आई आर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी सी, दैट इज़ आई एक्स सी। अब जो हमने यहाँ पर करंट फेजर डायग्राम देखा, तो इन केस ऑफ रेजिस्टेंस आई एंड वी आर बोथ आर इन सेम फेज, एंड जब हम लोगों ने वी सी के केस में देखा तो करंट 90 डिग्री से लीड करता है इन केस ऑफ वी सी, दिस इज 90 डिग्री, है ना। तो अब जब दोनों फेजर डायग्राम को हमने कंबाइंड किया, तो कंबाइंड करके जो हमारा फेजर डायग्राम बना, हमने आई को बेस लिया, दिस इज वी आर, दिस इज वी सी, हमने दोनों के पैरेलल मेथड बनाया, पैरेललोग्राम मेथड से दोनों का रिजल्टेंट निकाला। सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ वी विद फाई एंगल, दिस इज अ वैल्यू ऑफ फाई। तो जब हमारा फाई एंगल यहाँ निकल गया, अब यहाँ पर अगर मुझे इस रिजल्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो वी बराबर क्या हुआ, अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। हमने वी आर की जगह रखा आई आर स्क्वायर आई एक्स सी का होल स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व किया तो आई बाहर आ गया हमारा अंडर रूट के, द वैल्यू इज अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू वी की बनी, कंपेयर करने पर यानी इम्पीडेंस की जगह पर क्या आ गया हमारा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो फॉर्मूला हमारा आरएल के केस में था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, सिमिलरली हमारा इम्पीडेंस का फॉर्मूला आरसी के केस में क्या निकल कर आया, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो आई थिंक अब हम फाई का फॉर्मूला भी डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने आरएल के केस में निकाला था सेम उसी तरीके से, तो फाई की वैल्यू क्या हो गई हमारी, टेन इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। अब यहाँ पर अगर हम इसकी पावर कैलकुलेट करें, तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, अगर आप देखें ये फेजर डायग्राम देखेंगे, तो इस फेजर डायग्राम में आई वी से लीड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी करंट की इक्वेशन लिखूँ, तो द करंट इक्वेशन इज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और आरएल के केस में करंट की इक्वेशन क्या थी हमारी, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो हमारी इक्वेशन में क्या चेंज आया, केवल एक एंगल का। तो अब अगर हम पावर की बात करें यहाँ पर, तो पावर का फॉर्मूला वही, पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। वी की जगह रखा मैंने वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दोनों को सॉल्व किया, वी एम आई एम मैंने एक साथ अप्लाई किया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई टू करके मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बना दिया अपना, टू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बनाया था। तो वी एम आई एम बाई टू वैल्यू बन गई हमारी कॉस ए माइनस बी प्लस माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो अभी यहाँ से अगर हम अपना आगे का डेरिवेशन करते हैं, तो हमारी पावर की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारी बेटा, द वैल्यू ऑफ पावर इज पी इज इक्वल टू
वी एम आई एम बाई टू, एक टर्म बना कॉस फाई। अगर आप पूरा इस वैल्यू को देखेंगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल आउट हुआ, बचा कॉस का माइनस फाई। और अगर आपको पता हो तो कॉस फाई एंड कॉस माइनस फाई बोथ आर सेम, माइनस वी एम आई एम बाई टू कॉस ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो अगर आपको याद हो तो इस पावर इक्वेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। और अब ये इंस्टेंटेनियस पावर से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अपनी एवरेज पावर। तो अगर मुझे एवरेज पावर निकालनी है तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ वी एम आई एम बाई टू कॉस फाई एंड एवरेज वैल्यू ऑफ वी एम आई एम बाई टू कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, टू ओमेगा टी अगेन टू थीटा, यानी कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। और एवरेज साइकिल जो होती है, हमारी एवरेज वैल्यू होती है कंप्लीट साइकिल के लिए, वो होती है हमारी ज़ीरो। तो ये पूरा टर्म क्या वैल्यू दे रहा है हमें, ज़ीरो। तो व्हाट इज़ द एवरेज पावर, वी एम इज़ कॉन्स्टेंट, आई एम इज़ कॉन्स्टेंट, टू इज़ कॉन्स्टेंट एंड कॉस फाई इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट, बिकॉज ये कोई भी वैल्यू टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हमारी वैल्यू क्या बनी यहाँ पर, वी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू कॉस फाई। तो अगर ये वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो वी एम बाई रूट टू इज इक्विवेलेंट टू वी आर एम एस, आई एम बाई रूट टू इज आई आर एम एस एंड कॉस फाई। तो अगर आपको याद हो आर एल के केस में भी हमारी सेम पावर निकल कर आई थी। इसका मतलब जब भी हम सीरीज सर्किट की पावर को कैलकुलेट करेंगे, द वैल्यू ऑफ पावर इज ऑलवेज सेम, आइदर इन आर एल केस और इन आर सी केस। तो ये हमारा हुआ आर सी का डेरिवेशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को करना, जिससे आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो हम आर सी का एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। चलिए यही सबसे सिंपल न्यूमेरिकल उठाते हैं हम। सबसे पहले एक सीरीज सर्किट है हमारा, फॉर अ सीरीज आर सी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ आर बराबर 50 ओम, रेजिस्टेंस कितना लिया बेटा यहाँ पर 50 ओम एंड आ कैपेसिटर इक्वल टू 100 माइक्रोफेरड। हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, इफ सप्लाई इज 230 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज, है ना। वोल्टेज हमें कितना दे दिया है बेटा, हमें 230 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज। और हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, फर्स्ट पार्ट Z, सेकेंड I, थर्ड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, फोर्थ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, फिफ्थ cos Y, सिक्स्थ पावर। ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब ये न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हमें गिविन डेटा क्या क्या है हम वो यहाँ मेंशन करते हैं। द रेजिस्टेंस वैल्यू इज 50 ओम, द कैपेसिटर इज 100 माइक्रोफेरड। तो पहले तो बेटा हमेशा याद रखिए, हमें इस माइक्रोफेरड को चेंज करना है फेरड में, ठीक है। हम जो जनरल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं, अब इसके अलावा हमें वोल्टेज दिया दिया है 230 वोल्ट 50 हर्ट्स। तो जब भी ये बात करते हैं हम सी की, तो अगर आपको आर सी का डेरिवेशन या प्योर सी का डेरिवेशन याद हो, सबसे पहला काम क्या है हमारा, एक्स सी कैलकुलेट करना, बिकॉज सी का कोई वैल्यू नहीं होता इंडिविजुअली, हमेशा उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस में कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर्मूला लगाए 1/2πfc 1 × 3.14 सी की जगह रखा मैंने 100 × 10⁻⁶। द वैल्यू ऑफ एक्स सी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो एक्स सी कैलकुलेट हुआ हमारा 31.83 ओम। ओके, नाउ
अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था इस न्यूमेरिकल में, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड। अब अगर मुझे जेड कैलकुलेट करना है तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ जेड, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मुझे जेड की ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं जस्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगी क्योंकि फार्मूला हमारे पास है ही है। रेजिस्टेंस था 50 ओम का और एक्सी की वैल्यू निकल कर आई 31.83 ओम। जब हमने यहाँ से जेड को कैलकुलेट किया अवर आंसर इज 59.27 ओम। और एक चीज़ और याद रखेंगे बेटा, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, नाउ कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट का भी फॉर्मूला हमारा फिक्स होता है V बाय जेड। वोल्टेज इज 230, जेड इज 59.27, दोनों को सॉल्व किया हमारी करंट निकल कर आई 3.88 एम्पियर। क्लियर, नाउ हमसे पूछा गया था वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था। ये देखिए, हम लोगों ने RC का डेरिवेशन किया था, वहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस दोनों को ड्राइव किया था, वही यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो 3.88 मल्टीप्लाइड विद 50, यहाँ से निकल कर आया 194 वोल्ट। और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हमारा फॉर्मूला I इंटू XC, यानी 3.88 इंटू 31.83 3.5 वोल्ट। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट इज कॉस फाई, यानी पावर फैक्टर। तो कॉस फाई का फॉर्मूला होता है आर बाई जेड। अब ये आर बाई जेड निकालने के लिए देखो, आपको यहीं पर ये कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। एक होता है बेटा इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके बेसिस पे आप अपने बहुत सिंपल कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लेते हैं। इम्पीडेंस ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल की बात होती है तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। तो इम्पीडेंस ट्राइंगल का मतलब हुआ एक होगा बेस, एक होगा परपेंडिकुलर और एक होगा हाइपरटेनस की वैल्यू, और ये एंगल होगा हमारा फाइ। तो जब भी हम इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं तो हमारा एक ही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखें तो ये फॉर्मूला हमारा जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को बहुत बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है, और जेड जो है वो तो हाइपोटेनस की जगह पर आ रहा है। अब बात आती है आर और एक्स की, तो अगर आप रेजिस्टेंस को देखें तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है हमारी वो क्या होती है, हमारी वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज में होते हैं। तो आर तो हो गया हमारा बेस, और अगर एक्स का केस देखें तो एक्स या तो 90 डिग्री से लीड करता है या 90 डिग्री से लैग करता है। तो एक्स को कहाँ रखते हैं हम हमेशा, इस एंगल पर। तो अगर इस फॉर्मूले से अगर मैं कॉस फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस फाई, कॉस फाई इज डायरेक्टली इक्वल टू आर बाई जेड। तो हमें यहाँ पर ना कॉस फाई निकालने के लिए फाई एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो यहाँ पर जब मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करी 50 एंड जेड की वैल्यू 59.27, मैंने यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू कैलकुलेट करी, द आंसर इज 8435। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस फाई। एंड द लास्ट पार्ट जो था हमारा वो था P, यानी V I cos phi। वोल्टेज इज 230, I की वैल्यू थी 3.88 एंड द cos phi इज 0.8435। द आंसर इज 752.8 वॉट। तो आई थिंक अब आप लोगों को RC का ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ अब हम करते हैं अपना सेकेंड न्यूमेरिकल, जो भी कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है हमारा, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपनी पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म को जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, एक वोल्टेज इक्वेशन आपको दे रखी है, दैट इज़ 150 साइन ब्रैकेट में 3140 एंड द करेंट इक्वेशन इज 10 साइन 3140 प्लस पाई बाई 4। और आपसे कहा गया इस क्वेश्चन में कैलकुलेट इम्पीडेंस एंड एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट एंड ऑल्सो कैलकुलेट पावर फैक्टर। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे और बहुत इजी स्टेप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए,
सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं. द वोल्टेज वैल्यू इज 150 sin 3 140. ये देखिए, ये इक्वेशन है हमारी. इस इक्वेशन से हम डायरेक्ट अपनी पोलर वैल्यू बनाएंगे. देखिए मैग्नीट्यूड कितना है इस इक्वेशन का, 150, और साइन 3 140 के साथ कोई एंगल प्लस या माइनस नहीं है, तो वह एंगल बना हमारा 0 degree. दिए क्या बन गई हमारी पोलर फॉर्म. हम इसी तरीके से करंट की पोलर फॉर्म बनाएंगे, साइन 3 140 प्लस π/4. अभी देखिए मैग्नीट्यूड कितना है करंट का, 10, और करंट के साथ एंगल कितना है प्लस का, π/4, यानी 45 degree. ये देखिए हमने डायरेक्ट यहाँ से इक्वेशन से पोलर बना लिया. अब हम यहाँ पे पहला पार्ट सॉल्व करते हैं अपना, द वैल्यू ऑफ जेड. जेड की वैल्यू क्या होती है बेटा, V/I. वोल्टेज था 150, एंगल 0, करंट था 10, एंगल 45. तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड कराया, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड को डिवाइड कराया, बचा 15. ऊपर वाले एंगल में से नीचे वाले एंगल को माइनस किया, बचा माइनस का 45 degree. तो ये निकल कर आई बेटा हमारी डायरेक्ट वैल्यू, किसकी, जेड के वैल्यू. ठीक है, अब ये जो पोलर फॉर्म है, इस पोलर फॉर्म से हम बनाएंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म. अब रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाने के लिए हमारे फॉर्मूले क्या थे, पोलर फॉर्म है आर एंगल थीटा, बदलना है मुझे ए प्लस जे बी में, तो ए का फॉर्मूला क्या था, आर कॉस थीटा, और बी का फॉर्मूला था आर साइन थीटा. हमने यहाँ पर अप्लाई किया. अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं ये मेथड कैलकुलेटर से भी करना सिखाऊंगी, जिससे आपको कैलकुलेशन और इजी हो जाए. हमारा जेड की वैल्यू ये थी, हमने ए कैलकुलेट किया तो 15 cos 45, एंड बी बराबर आल्सो 15 cos 45. हमने यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पर जेड की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, cos 45 इज़ 1/√2. तो 1/√2 को हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो हमारी वैल्यू क्या निकल कर आई, 10.60. साथ में क्योंकि माइनस एंगल में है, तो यहाँ पर बी की जगह यहाँ पर था साइन, तो जब ये वैल्यू निकली तो ये निकली माइनस का 10.66, और ये निकल कर आई 10.66, क्योंकि एंगल यहाँ प्लस था और यहाँ पर एंगल माइनस का था. तो हमारा जो कन्वर्जन निकल कर आया 60, तो ये वैल्यू निकल कर आया हमारा जेड का पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म. अब आपको डायरेक्ट यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, हम जेड को लिखने का तरीका होता है आर प्लस माइनस जे एक्स. अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, बिकॉज हमने पहले, अब हमें ये भी पता कराना है ना कि अगर ये आपका आरसी सर्किट है या आरएल, तो ये बहुत आसानी से बता सकता है. ये देखिए, अगर बीच में एंगल माइनस आ रहा है तो बनता है ये, देखिए अगर प्लस है तो एक्सएल है, माइनस है तो एक्ससी है. अब अगर आप इक्वेशन को देखें, बीच में साइन माइनस आ रहा है, इसका मतलब दिस इज़ अ आर सी सीरीज सर्किट. और यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट कंपेयर करें तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस वैल्यू इज 10.60 ओम, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्ससी, एक्ससी वैल्यू इज 10.60 ओम. तो ये डायरेक्ट हम लोगों ने सर्किट के एलिमेंट्स को कैलकुलेट किया. नाउ वी कैलकुलेट द पावर फैक्टर कॉस फाई. अब कॉस फाई अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे पहले फाई एंगल चाहिए. ये देखिए, आपने ये जो जेड कैलकुलेट करते टाइम ये जो एंगल निकाला था, ये एंगल डायरेक्ट फाई को रिप्रेजेंट करता है. तो हम यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, कॉस ब्रैकेट में माइनस का 45 degree, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, यानी 0.707. दिस इज अवर पावर फैक्टर. तो चलिए एक ऐसा न्यूमेरिकल और करते हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, जिससे आप लोगों को और आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी. देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, कि जेड आपको दे दिया गया है 50 angle minus 45 degree ohm. क्योंकि पुराने वाला न्यूमेरिकल क्या था बेटा हमारा, पुराने वाले न्यूमेरिकल में हमने जेड को वोल्टेज और करंट से कैलकुलेट किया था, यहाँ डायरेक्टली हमें जेड दे दिया गया है. तो पहली चीज़ क्या पूछी जा रही है, Identify the circuit, ठीक है, and calculate components when frequency equal to 50 hertz. अब देखिए, मैंने अभी पुराने न्यूमेरिकल में क्या बताया था, अगर z के साथ एंगल माइनस है
तो दिस इज अ आर सी सर्किट, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर में आर सी सर्किट। देखिए क्योंकि ये एंगल बताएगा यहाँ पर, ये एंगल नेगेटिव आर सी सर्किट, एंगल पॉजिटिव आर एल सर्किट, तो पहली चीज़ तो ये आइडेंटिफाई हो गई। अब इस जेड को मुझे कन्वर्ट करना है पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, आर ए बराबर 50 cos -45 एंड बी बराबर 50 sin -45। देखो सॉल्व किया तो वैल्यू क्या निकल कर आई, 35.35 और यहाँ पर -35.35 वैल्यू पुट कर दी, 35.35 माइनस जे 35.35 ये निकल कर आया हमारा जेड का वैल्यू। जस्ट कंपेयर किया तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, 35.35 ओम, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स सी, इट्स ऑल्सो 35.35 ओम, बट एक्स सी इज नॉट अ कॉम्पोनेंट, है ना, एक्स सी क्या है हमारा कॉम्पोनेंट नहीं है, कॉम्पोनेंट तो कैपेसिटर होता है। तो एक्स सी का फॉर्मूला यहाँ क्या लगाया मैंने, 1/2πfc, तो यहाँ से सी कैलकुलेट किया तो 2πf इंटू एक्स सी वैल्यू पुट करी, 1/2 × 3.14 इंटू 50 इंटू एक्स सी का वैल्यू क्या निकला था, 35.35। जब हमने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज को सॉल्व किया, अवर आंसर इज 10 × 9 × 10⁻⁵ फैरड, तो इसको अगर मैं माइक्रो फैरड में चेक करूँ तो वैल्यू क्या निकल कर आई, 90 μF। तो आई होप आप लोगों को आरसी सर्किट समझ में आ गया होगा कि डेरिवेशन और न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग आरएलसी सीरीज सर्किट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।